वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग फ्रॉली। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये टॉपिक तो और उसके ऊपर रिलेटेड सम। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो रेफर नहीं किया तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा सेकेंड प्रॉब्लम। तो अभी हमें बोला है डी स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू कॉस ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स इंटू साइन ई रेस टू माइनस एक्स, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हमें कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो किसी भी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इसके सम सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली ये गिवन फाइव स्टेप फॉलो करने के। तो आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते। तो इसमें पहला स्टेप है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए ये एफ ऑफ डी इक्वेट टू जीरो करते हम, तो यहाँ से इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो डी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डी स्क्वायर इक्वल टू वन एंड डी इक्वल टू प्लस और माइनस वन, राइट। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा सी वन ई रेस टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस एक्स, राइट। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस फाइंड करने के बाद हम इसे कंपेयर करेंगे सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू ये इक्वेशन के साथ। तो ये हमारा ई रेस टू एक्स हमारा वाई वन टर्म है और ई रेस टू माइनस एक्स ये हमारा वाई टू है, राइट। तो इसके बाद में हमें ये डब्ल्यू फाइंड करना होता है। तो डब्ल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ वाई वन वाई टू वाई वन डैश वाई टू डैश, राइट। तो वाई वन डैश होता है वाई वन का डेरेटिव, वाई टू डैश होता है वाई टू का डेरेटिव, राइट। तो अब ये फर्स्ट स्टेप है। तो सेकेंड स्टेप है डब्ल्यू फाइंड करना। तो डब्ल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ वाई वन वाई टू वाई वन डैश, मतलब वाई वन का डेरेटिव, तो ई रेस टू एक्स का डेरेटिव ई रेस टू एक्स और ई रेस टू माइनस एक्स का डेरेटिव माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। तो हमें ये सिंपली डिटर्मिनेंट सॉल्व करने गए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ई रेस टू जीरो माइनस ई रेस टू जीरो। तो ई रेस टू जीरो क्या होता है वन, तो ये माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, राइट। तो w का वैल्यू हमें मिला माइनस टू। अब थर्ड स्टेप है हमारा ये a फाइंड करना। तो a क्या होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ y2 टू अपॉन डब्ल्यू इन टू क्यू, राइट। तो अब यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था f ऑफ d इन टू वाई इक्वल टू ये पूरा टर्म हमारा q है, राइट। तो अब थर्ड स्टेप है हमारा a फाइंड करना। तो a होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ y2 टू अपॉन डब्ल्यू इन टू क्यू डी एक्स, राइट। तो माइनस इंटीग्रल, अब वाई टू क्या हमारा ए रेस टू माइनस एक्स अपॉन डब्ल्यू, राइट। तो डब्ल्यू क्या हमारा माइनस टू, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये वन बाई टू आउटसाइड द ब्रैकेट, राइट, इन टू क्यू, राइट। तो क्यू क्या हमारा ये पूरा टर्म कॉस ए रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स साइन ई रेस टू माइनस एक्स। तो कॉस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स साइन ई रेस टू माइनस एक्स और ये विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन, राइट। तो ये वन बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर, अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, राइट। तो अब यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स ये टर्म पूरे इक्वेशन में कॉमन है, राइट। तो हम ई रेस टू माइनस एक्स को एक वेरिएबल अज्यूम करेंगे टी। तो अब इसका डेरेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ई रेस टू माइनस एक्स का डेरेटिव क्या होता है माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स और ये डी टी, राइट। तो अब ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स इसके जगह पे हम माइनस डी टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये माइनस वो साइड में जाएगा तो माइनस डी टी, राइट। तो अब ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स इसके जगह पे हम माइनस डी टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये माइनस वन बाई टू और ये डी टी एज इट इज और कॉस ई रेस टू माइनस एक्स, लेकिन ई रेस टू माइनस क्या हमारा टी, तो कॉस टी प्लस टी साइन टी। तो अब इसका इंटीग्रेशन लेना है हमें, राइट। तो ये माइनस वन बाई टू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी प्लस टी साइन टी और ये डी टी, राइट। तो माइनस वन बाई टू, अभी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी क्या होता है साइन टी, तो साइन टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये टी साइन टी और विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, राइट। तो अभी यहाँ पे यू वी रूल अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, ये अल्जेब्रिक टर्म है और ये साइंटी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। तो अल्जेब्रिक टर्म को हम यू अज्यूम करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को हम वी अज्यूम करेंगे। तो अब यू वी रूल अप्लाई करने के लिए हमें ट्रिक अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो इसका ट्रिक है हमें अल्जेब्रिक टर्म
अल्जेब्रिक टर्म का डेरिवेटिव लेते जाने का है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसका इंटीग्रेशन लेते जाने का है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप होगा यूवी रूल अप्लाई करने के लिए, ये जो अल्जेब्रिक टर्म है उसे हम एज इट इज लेके और इसका इंटीग्रेशन लेंगे, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या होता है, माइनस कॉस टी, राइट। तो अभी फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ टी क्या होगा, 1, और इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस टी हो गया माइनस साइन टी, राइट। तो अभी अल्टरनेट प्लस माइनस साइन असाइन करने का, ये तो प्लस ये माइनस, राइट। तो अभी ये प्लस टी इंटू माइनस कॉस टी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 1 इंटू माइनस साइन टी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा इसका टी साइन टी का इंटीग्रल, राइट। तो माइनस 1/2 साइन टी प्लस, अभी इंटीग्रेशन ऑफ टी साइन टी इसका वैल्यू है प्लस इंटू माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस टी कॉस टी और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1 इंटू साइन टी, राइट। तो ये माइनस 1/2, अब ये साइन टी प्लस साइन टी क्या होगा, 2 साइन टी माइनस टी कॉस टी, राइट। तो यहाँ पे माइनस 1/2 2, अभी टी के जगह पे हमें फिर से ये ई रेस टू माइनस एक्स रिप्लेस करने का है, तो 2 साइन ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कॉस ई रेस टू माइनस एक्स, तो ये हो गया हमारा ए का वैल्यू। तो अब सिमिलर वे से हम बी फाइंड करेंगे, तो अब हमारा बी होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई वन अपॉन डब्ल्यू इंटू क्यू, राइट। तो फोर्थ स्टेप है हमारा बी फाइंड करना, तो बी होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वाई वन अपॉन डब्ल्यू इंटू क्यू डी एक्स, राइट। तो अब वाई वन का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो वाई वन का वैल्यू है हमारे पास ई रेस टू एक्स अपॉन डब्ल्यू, राइट। तो डब्ल्यू क्या था हमारा, यहाँ पे माइनस 2, तो माइनस 2 और इंटू क्यू, राइट। तो क्यू क्या था हमारा, कॉस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स साइन ई रेस टू माइनस एक्स, राइट। और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये माइनस 1/2 एज इट इज और ये पूरे टर्म का इंटीग्रेशन लेने का, राइट। तो अब यहाँ पे ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट में ये पूरा टर्म है, राइट। तो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो अगर हमारे पास होगा इंटीग्रल ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो ई रेस टू एक्स के ब्रैकेट में फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होगा, तो इसका इंटीग्रेशन निकल के आता है ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखने का है। तो यहाँ पे हम हमें सिमिलर टर्म दिखाई दे रहे, तो अगर हमने कॉस ई रेस टू माइनस एक्स को फंक्शन डिफाइन किया तो अब इसका डेरिवेटिव ये पूरा टर्म होगा, राइट। तो उसको हम सॉल्व भी करेंगे, कॉस ई रेस टू माइनस एक्स, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तब कॉसिस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, राइट। तो अभी ई रेस टू माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, राइट। तो ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये ई रेस टू माइनस एक्स साइन ई रेस टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये सेम टर्म हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा एफ डैश ऑफ एक्स, तो ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका आंसर आता है माइनस 1/2 एज इट इज ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट। तो ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, लेकिन हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस ई रेस टू माइनस एक्स। तो ये होगा हमारा बी का वैल्यू, राइट। तो अब हमारा लास्ट स्टेप है पर्टिकुलर इंटीगल फाइंड करना, तो पर्टिकुलर इंटीगल होता है ए वाई वन प्लस बी वाई टू, राइट। तो पर्टिकुलर इंटीगल है ए वाई वन प्लस बी वाई टू, तो हमारा ए का वैल्यू क्या है, ये तो पूरा टर्म, ये पूरा टर्म ए का वैल्यू है, राइट। तो माइनस 1/2 इंटू टू साइन ई रेस टू माइनस एक्स और माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू कॉस ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू कॉस ई रेस टू माइनस एक्स और इसका मल्टीप्लीकेशन विथ वाई वन, राइट। तो वाई वन क्या है हमारा, ई रेस टू एक्स प्लस बी इंटू वाई टू, राइट। तो बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 1/2 ई रेस टू एक्स कॉस ई रेस टू माइनस एक्स और इसका मल्टीप्लीकेशन विथ वाई टू, राइट। तो वाई टू क्या हमारा, यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स,
तो अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से माइनस वन बाई टू हमने कॉमन निकाला, तो अंदर बचेगा टू साइन ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ये ई रेस टू एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, बाद में माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू कॉस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ये ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई में, और यहाँ से माइनस वन बाई टू कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा प्लस ये ई रेस टू एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इंटू कॉस ई रेस टू माइनस एक्स, राइट। तो अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस वन बाई टू टू ई रेस टू एक्स साइन ई रेस टू माइनस एक्स माइनस यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, इसका आंसर ई रेस टू जीरो मतलब वन, तो यहाँ से बचा कॉस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस इन द सेम वे ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, तो इसका आंसर आया ई रेस टू जीरो मतलब वन, तो यहाँ पे प्लस कॉस ई रेस टू माइनस एक्स, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल होगा, तो लास्ट में ये टू और ये टू भी कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा माइनस ई रेस टू एक्स साइन ई रेस टू माइनस एक्स, राइट। तो ये होगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमें सिंपली ये पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐड करने गए, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था सी वन ई रेस टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस एक्स, तो ये होगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट।